नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बृहदेश्वर मंदिर का इतिहास व रहस्य से जुड़ी रोचक बातें बताएंगे। अद्भुत वास्तुकला व कारीगरी का नमूना बृहदेश्वर मंदिर का इतिहास। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? भारत भूमि सनातन संस्कृति की धार्मिक स्थलों की धरोहर है। यहाँ पर एक से बढ़कर एक धार्मिक स्थल, मंदिर इत्यादि उपस्थित हैं। भारत में उपस्थित इन विभिन्न धार्मिक स्थलों की वास्तुकला बहुत ही विशेष है और साथ ही साथ इनसे बहुत से रोचक रहस्यमयी भी जुड़े हैं। भारत में एक ऐसा ही मंदिर है जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर, जो अपने अंदर कई सारे रहस्यों को समेट कर बैठा हुआ है। इस मंदिर का इतिहास और रहस्य अत्यंत ही रोचक है। 1000 साल पुराना ग्रेनाइट पत्थर से बना अनूठा बृहदेश्वर मंदिर, जिसके निर्माण से जुड़े अद्भुत रहस्य जानकर आप दंग रह जाएंगे। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। इस मंदिर के सबसे खास बात यह है कि इस स्थापित की गई मूर्ति नृत्य मुद्रा में है। नृत्य की मुद्रा धारण किए हुए ये मूर्ति नटराज के नाम से जानी जाती है। इस मंदिर के निर्माण चोल राजवंश के राजा राजराज द्वारा लगभग 1009 ईस्वी में कराया गया था। इस मंदिर को कई नामों से भी जाना जाता है, जिनमें राजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर और पेरिया कोविल का नाम अत्यंत ही प्रसिद्ध है। ये मंदिर बहुत ही रहस्यमयी है। अपनी रहस्यमयी खूबियों और विशेषताओं के चलते ही इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व के धरोहरों में शामिल किया। बृहदेश्वर मंदिर की वास्तुकला बहुत ही शानदार और अद्भुत है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस मंदिर की संरचना और वास्तुकला दक्षिण शासकों को स्थापत्य कला और आत्मीयता को दर्शाता है। तो आशा है आपको अच्छी लगी होगी यह जानकारी।